वंदे मातरम साथियों, आज के जो हमारी सीरीज चल रही है आम से खास कैसे बने, इस सीरीज में एक नई शख्सियत के साथ और एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके प्रारंभिक शिक्षा या मैं कहूं कि स्कूली शिक्षा है पूर्णतः राजकीय विद्यालयों में हुई है। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान पढ़ने के लिए जिन्हें पटाखे तक बेचने पड़े हैं, विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में रही हैं। ऐसा ही हमारी इस सीरीज का मकसद है कि एक सामान्य विद्यार्थी भी शिक्षा के दम पर कितना आगे जा सकता है, इसी को हम आप साथियों के समक्ष रखते आ रहे हैं और रखते रहेंगे। तो इसी में हमारे साथी अभी मैं कहूं कि इनके पद गिनाना शुरू करूं कि किस किस पे चयन हुआ है तो शायद मैं कुछ न कुछ भूल जाऊं। ये पोस्ट ऑफिस में इनका चयन हुआ, इनका एसएससी में चयन हुआ, इनका बैंक पीओ में चयन हुआ, ये स्कूल लेक्चर भी रहे और वर्तमान में ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, श्रीमान रोहित जी जैन। रोहित जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि आपके पास इतनी उपलब्धियां हैं कि सारी नहीं बता पाऊंगा, तो पहले थोड़ी सा अपने प्रारंभिक जानकारी आपके बारे में दें कि आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई, कैसे माहौल में हुई, किस तरह से आप आगे बढ़े। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। प्रारंभिक, मैं मूलतः अलवर का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी हुई, मेरे पड़ोस में एक स्कूल थी, घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहाँ पर हुई। उसके बाद हालात कुछ ऐसे थे कि प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा शहर के एक सरकारी स्कूल में हुई, राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद वहीं अलवर के एक सरकारी कॉलेज राजकीय कला महाविद्यालय से मैंने अपना स्नातक पूरा किया। स्नातक करने के उपरांत मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में से अपना पीजी किया, एमफिल किया, और उसके बाद एक नौकरियों का एक सफर जो था वो चालू किया। सबसे पहले मेरे जीवन में कई नौकरियां आई लेकिन मैं किसी कारणवश उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। शुरुआत जो मैंने करी स्कूल शिक्षा में व्याख्याता के पद पर करी, उसकी पहली पोस्टिंग मुझे अलवर मिली। उसके बाद जो दूसरी मेरी इच्छा थी नौकरी करने की, वो थी कॉलेज व्याख्याता, जहां मुझे आबू रोड में पोस्टिंग मिली, लेकिन उसको भी मैं किसी कारणों के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद 2018 से वर्तमान तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में सफर अलवर टू जयपुर वाला जो सफर है वो जयपुर आके अभी चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि हमारे जो इंटरव्यू है इसका जो मकसद रहता है, ये मकसद ये रहता है कि एक सामान्य बालक है जो विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो आर्थिक रही हो, कैसे भी रही हो, कि वो आगे किस तरह से बढ़े। क्योंकि हम इंटरव्यू को रखते हैं दो पार्ट में रखते हैं, एक तो आम से खास व्यक्ति कैसे बना जो हमारी बातचीत चल रही है, सेकंड क्या है कि हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पर, सोशियोलॉजी में स्कूल व्याख्याता के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और एक सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कौन सी वो गलतियां करता है, किन से बचना चाहिए, इन सभी की बातचीत हमारी रहेगी। तो आप सर प्रारंभिक अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा वर्ष 2007 का, जब मैं 12वीं कक्षा का छात्र था और बोर्ड की परीक्षाओं का समय था। अचानक फोन आता है और उस फोन में कहा जाता है कि मेरे पास ही आता है, मेरे पिताजी का फोन होता है और पिताजी मुझे कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, उदयपुर के आसपास कोई जगह है, गाड़ी पलट चुकी है और मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ, संभवतः सुबह तक तुम लोग पहुँचोगे। बड़े होशो आवाज में बात कहते हैं और शायद मेरा हाथ नहीं बच पाएगा, हाथ पूरा कट चुका है एक तरीके से। और उस समय 12वीं कक्षा का मैं छात्र था और शायद घर की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी नहीं थी ज़्यादा अच्छी कि उदयपुर कैसे जाएंगे हम लोग, कहाँ पहुँचेंगे, कितने पैसे की आवश्यकता है, पिताजी कहाँ होंगे, बहुत सारी चिंताएँ थी। और शायद हम पहुँचे सुबह, उदयपुर पहुँचे, उदयपुर पहुँचने के बाद पता चला कि एक हाथ काट दिया गया है। कोशिश करी कि देखने की तो देखा नहीं गया, लेकिन शायद उस समय ही निर्णय ले लिया कि अब शायद जीवन जो है
वो दूसरे पथ पर जाएगा और उस पथ को आपको डील करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। शायद वही संकल्प था उदयपुर के उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद। उस संकल्प में आप कितने कारगर हुए हैं, सफल हुए हैं, ये तो वक्त और आप लोग बताएंगे। निश्चित रूप से सफल ही है सर अभी। हाँ जी शुरुआती दौर कुछ ऐसा निकला, जॉइंट फैमिली थी इसलिए ज्यादा परेशानियां नहीं आई, सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। चाचा ने उस समय बड़ी मदद करी, चाचा ने उस समय गाड़ी ड्राइवर का काम किया और पूरे परिवार को चलाया। उस समर्पण भाव का परिणाम ये कि आज हम सभी लोग वेल सेटल हैं, परिवार में बहुत जितने भी अच्छी लोग बात है, हैं। बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि एक नौकरी मुझे बहुत आवश्यक है और नौकरी जरूरी भी है आगे का जीविका उपार्जन करने के लिए। खैर नौकरी लगना भी इतना आसान नहीं है और बड़ा सरकारी मुश्किल है, यही तो हमारे अभ्यर्थी और लगातार सरकारी चाह नौकरी रहे की हैं। हाँ चाह जी रखना हाँ जी थोड़ा और भी मुश्किल लगता है। लेकिन उस समय जीवन के सामने दो परिस्थिति थी, या तो कोई भी नौकरी स्वीकार करके वहां लग जाए और अपना जीविका उपार्जन उसी हिसाब से तय करें, या फिर कोई संकल्प ले और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कुछ छोटा मोटा काम हम करते रहें और अपना संकल्प की पूर्ति में भी लगे रहें। दिवाली के आसपास का समय था, मैं अपने घर आया हुआ था एक सवा महीने पहले, तो अखबार में एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन में ये निकलता है कि अब बाजार में पटाखे की दुकानें नहीं लगेंगी, आतिशबाजी की दुकानें अब वो बाजार से दूर किसी एक स्थान पे लगेंगी और उन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाएगा जो उस स्थान पर आके पटाखे बेचना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि 8-10 दिन दिवाली के त्योहार को मैं कुछ कमा लिया जाए जिससे आगे कोचिंग की फीस हम लोग दे सके, हाँ पे कर पाए। और मैंने उस नगर परिषद के उस आवेदन को भर दिया और वो संयोग से लॉटरी में वो दुकान भी निकल गई। एक मैदान था, उस मैदान में आपको टीन की दुकानें थी, टीन की बनी हुई दुकानें थे, उसी के अंदर आपको रहना था। अक्सर ये बारूदों सारी राजस्थान में हर एक शहर में ही है, यहाँ पर गरिया चलने बारूदों वाला। का ढेर था, उसी के बीच में हमको सोना पड़ता था हाँ क्योंकि जी नगर परिषद ने उस दुकान का गेट लगा के नहीं दिया था। तो रात को डर भी लगता था कि कोई दुर्घटना हो जाए तो शायद आपके साथ क्या होगा, ठीक है। लेकिन 10-12 दिन उस दुकान के अंदर हम लोग काम करते थे, कुछ पैसा कमाते थे और घर का खर्च भी चलता था उन दिनों, और शायद कोचिंग की तैयारी के लिए कुछ पैसे भी निकल जाया करते थे। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये काम मैंने चालू किया तो 1-2 दिन मुझे लगा कि यार ये काम करना ठीक है कि नहीं है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरी शिक्षा उस काम में बड़ी काम आई। पटाखे की दुकान में पटाखे बेचते समय जब मैं अंग्रेजी में ग्राहकों से बात करता था तो शायद मेरा प्रभाव उन ग्राहकों पर ज्यादा पड़ता था और वो लोग अंग्रेजी मुझसे का क्या रोल रहा सर इसमें? देखिए मार्केटिंग एज में रह रहे हैं, मार्केटिंग एरिया में हम रह रहे हैं, जी यहाँ हर चीज का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है ये तो। आप अपनी शिक्षा का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, हम भूल जाते हैं हम शिक्षा का प्रयोग केवल औपचारिक क्षेत्र में करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में भी हम उस शिक्षा का प्रयोग करें तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षा का मतलब हमने केवल नौकरी से समझ लिया, शिक्षा का मतलब केवल नौकरी को प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा तो सर्वांगीण विकास है। बिल्कुल सही है। आपको अपने आप को दुनिया से अलग साबित करना है। उस मार्केट में जो लोग पटाखे बेचते थे वो ट्रेडिशनल सेलर थे, ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से उस काम को करने वाले लोग हाँ थे, बिल्कुल उनके बीच में अपने आप को स्थापित करना है। तो आपको कुछ ऐसी विशेषताएं अपने अंदर लानी पड़ेंगी या कुछ साबित अलग करनी करना पड़ेगा थोड़ा पड़ेगी सा। जिससे आप वहां स्थापित हो सके। शायद उस दुकान में 1-2 दिन में अनकंफर्ट था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ग्राहकों की नीड को समझा और उनसे बातचीत करी तो बातचीत करने में बड़ा मजा आने लगा और अपनी वाक चातुर्यता या फिर अपनी शिक्षा और अपने भाषा का ज्ञान, उन चीजों से मैंने उस मार्केट में अपनी एक जगह बनाई और शायद वो बड़ा फ्रूटफुल। लगभग 7-8 साल मैंने ये काम किया, 7-8 साल तक दिवाली के दिन हम घर नहीं पहुंच पाते थे, लगभग 12-1 बज जाते थे और शायद माल बच जाता था तो और भी चिंता हो जाती थी कि अगले साल तक इसको कहाँ बिल्कुल रखेंगे। तो बहुत सारी चिंताएं थी लेकिन कभी भी मुझे मेरा माल नहीं बचा और दिवाली तक मैंने उस काम को किया, बड़ा मजा आया, एक जीवन में सीखने को उस चीज से मिला। खैर तैयारियां चलती रही, 8-10 दिन काम करते थे फिर वापस अपनी तैयारियों में लग जाते थे। ठीक है सर। ये आपका कठिन कठिनाई भरा दौर रहा, कहां से आपको लगा कि नहीं मैं अब ठीक ठाक ट्रैक पे आ गया हूं, चलना शुरू कर दिया मैंने? ठीक देखिए ट्रैक पे तो शुरू से ही थे, मतलब है, ट्रैक का मतलब ये नहीं कि नौकरी लगना ही ट्रैक है। भी एक आर्थिक रूप से आप इतने सबल हो गए कि आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी मैं ऐसा। स्कूल स्कूल लेक्चर जब ज्वाइन कर लिया मैंने हाँ जी उसके बाद मुझे लगा कि अब पूरी तरीके से मैं आपके मतलब एट द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक हाँ मतलब मैं ठीक ट्रैक पे था, क्योंकि स्कूल लेक्चर गजेटेड पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट में आने के बाद ठीक है। ठीक है सर। जैसे आपने इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है, एक आम विद्यार्थी है
वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय किन बातों को ध्यान रखे, और मोस्टली वो क्या कि आज के प्रतियोगी माहौल में किन की कौन सी गलतियां करता है मैं, ये थोड़ा देखिए करंट है रहा। हाँ जी, एजुकेशन इज लाइक ए ट्रेन, एक ट्रेन की तरह है। आप ट्रेन का टिकट खरीद सकते हैं, आप एसी में जाना चाहते हैं या स्लीपर में जाना चाहते हैं या फिर जनरल डिब्बे में जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह की एजुकेशन है कि आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, आज इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी भी डिग्री अर्जित कर सकते हैं। सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं तो प्राइवेट में ले सकते हैं, सरकारी कॉलेज में नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हम उस ट्रेन की यात्रा करने के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, स्टेशन के बाहर आते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि हमें किस दिशा में जाना, चारों दिशाएं हमारे सामने खुली रहती है, हम ये तय नहीं कर पाते कि हम आगे का हमारा भविष्य क्या होगा। आज का विद्यार्थी क्या कर रहा है कि वो टिकट की तरह एजुकेशन को ले रहा है, वो किसी भी डिब्बे में बैठ रहा है, कोई सी भी डिग्री वो ले रहा है और डिग्री लेके वो सवार हो रहा है, डिग्री मिल रही है उसे आसानी से। लेकिन जैसे ही वो समाज में जाता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसके सामने यक्ष प्रश्न आता है कि अब मैं क्या करूं, उस समय वो तय नहीं कर पाता कि मुझे कहाँ जाना, क्योंकि उसने टिकट खरीदने से पहले, डिग्री लेने से पहले उसने सोचा नहीं था। तो सबसे बुरी स्थिति जो मैं आज के टाइम में देखता हूँ कि हम डिग्री को डिग्री करने से पहले सोचते समझते नहीं है, या डिग्री हम मजबूरी में करते हैं कि यार कुछ नहीं मिला इसलिए इस काम को कर लें, तो की कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति है विद्यार्थियों में वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात क्या है कि टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है। आप आज से 15-20 साल पहले देखिए कि जो पहले 22 या 23 साल का व्यक्ति सोचा करता था, आज 10 या 12 साल का व्यक्ति सोच रहा है। हाँ बिल्कुल, 12th के बाद ही एक लाइन पकड़ना शुरू हो जाता है विद्यार्थी कि 20-22 साल में जाके जो चीजें हम सोचा करते थे, आज 10वीं 12वीं साल का बच्चा वो सोच रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि करियर के प्रति, मतलब हम कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ 5वीं या 6वीं क्लास में बच्चे फोकस हो जाते हैं करियर के प्रति। इतना टाइम तेजी से बदल रहा है, उस बदलते हुए मतलब हम लोग संक्रमण काल में रह रहे हैं। संक्रमण काल की में अपने आप को स्थापित करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ा मुश्किल काम भी ये होता है। तो हम अपने आप को उस हिसाब से आगे की तैयारी करके स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अलवर के एक चौराहे पे जहाँ किताबें बिका करती थी, वहाँ गया किताबें लेने, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी खड़ा था, उसने एक परीक्षा का फॉर्म मांगा। तो उसने कहा कि IAS, उस समय की बात है जब ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिला करते थे, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, IAS का, UPSC का एक फॉर्म देना IAS की परीक्षा का। दुकानदार ने वो फॉर्म निकाल के दिया, मैंने जैसे ही कान में मेरी आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि मुझे इस विद्यार्थी को देखना चाहिए कि ये विद्यार्थी कौन है जो IAS की तैयारी कर रहा है। थोड़े समय बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई टीचर की भर्ती थी उसका फॉर्म भी दे दीजिए, और थोड़े समय बाद उसने कहा कि मुझे पटवारी का फॉर्म भी दे दीजिए, और थोड़े समय बाद उसने कहा कि जो भी कोई भर्ती निकली है उसके फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। सभी भरने मेरे को। आप ये देखिए, वो ट्रेन वाली बात होगी, आपने क्या देखा, मतलब मैंने जो देखा कि एक व्यक्ति जिसको मैं केवल इसलिए पीछे मुड़ा कि वो IAS की तैयारी कर रहा है, थोड़े समय बाद मेरी एक सामान्य धारणा बन गई कि इसका अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प नहीं है, ये बदल रहा है। आज हम क्या, मार्केट फोर्सेस हमें जिस तरफ ले जाना चाह रही है हम उस तरफ जा रहे हैं। हमसे कहा बीटेक कर लीजिए, हम लोगों ने बीटेक कर ली। हमसे कहा कि एमए कर लीजिए, हम लोगों ने एमए कर लिया। कि व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। लोग क्या चाहते हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने आप को उस तरह से तय करिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। हम ये तय नहीं कर पा रहे, हम मार्केट फोर्सेस तय कर रहे हैं कि हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा, बाद में बात भी करी तो मुझे पता चला कि इसका कोई लक्ष्य तय नहीं है। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य वही जिसमें कोई विकल्प ना हो। आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एक ही पद हो, आप उसकी पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए, आपको जरूर मिलेगी। आप यदि उसमें विकल्प रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। विकल्प की उपस्थिति आपके संकल्प पे संदेह पैदा करती है। यदि आपको संकल्प को मजबूत रखना है तो अपने विकल्पों की उपस्थिति को हटाना होगा, आपको संकल्प पे फोकस होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जैसे सर ने बताया कि वास्तव में हमें क्या है कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे ही हमें केवल और केवल आंख दिखाई देनी चाहिए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर पहली और अंतिम बात यह है कि हमारा लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, और जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इस सब्जेक्ट में वैसे वैकेंसीज काफी कम भी आती है पर विद्यार्थी भी थोड़े कम रहते हैं, पर रहते हैं उतनों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है कि सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए,
क्या किया जाए, तो पहले तो सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए बेसिक बातें कौन सी ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद बुक्स पे अपने चलेंगे। हाँ देखिए, पहला तो आपका प्रश्न है कि इसकी वैकेंसी कम आती है, मैं इसे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। हाँ जी, कि वैकेंसी कम क्यों आती है, क्योंकि कम लोगों को, जैसे मान लीजिए द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है या प्रथम व्याख्याता स्कूल व्याख्याता परीक्षा है, इन दोनों में सोशियोलॉजी की पोस्टें आई 37-35 और सब्जेक्टों में किसी में 2000 आई, किसी में 3000 आई, 4000 आई, 500 आई, 700 आई, तो इसको समझना होगा क्यों कम आई। क्योंकि आपकी डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग कम है। पढ़ने वाले लोग कम है तो आपके एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोग भी कम होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हिस्ट्री में जहाँ 500,000 लोग बैठेंगे, वहीं सोशियोलॉजी में 50 पोस्टों पे 5,000 लोग बैठेंगे। बिल्कुल, तो अनुपात वहीं बराबर आ जाता है, तो कम या ज्यादा का तो प्रश्न होता नहीं है। जो मार्केट में डिमांड है उस अनुरूप आपकी चीजें आती हैं। दूसरी बात, उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से नीचे की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए 6 महीने तक का समय पर्याप्त है तैयारी करने के लिए। ठीक है, यदि 6 महीने तक का आप समय उनके लिए पर्याप्त रूप से दे देते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब वही यक्ष प्रश्न कि एक व्यक्ति मेरे नीचे, घर के नीचे लाइब्रेरी चलती, मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी उसमें 15-15, 16-16 घंटे देते हैं, पढ़ते रहते हैं लगातार। और लगातार एक विद्यार्थी से मैंने पूछा 6-6 महीने की तैयारी करने के बाद क्या हुआ, तो कहता है परिणाम ठीक नहीं आया। तो फिर बाद में मैंने उसके पढ़ने का तरीका देखा तो समझ में आया कि कई तरीके मिलती है। हमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे सिविल परीक्षा, सिविल सेवा की जब परीक्षा देते थे उसमें एक निबंध आता था। निबंध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कुछ लोग क्या कहते, जैसे ही पेपर आया निबंध का टाइटल देखा और लिखना चालू कर देते थे और थोड़ी देर बाद वो कलम रोक के बैठ जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, उस विषय को सोचते थे, अपना आधे से ज्यादा समय उसको सोचने में देते थे कि मुझे लिखना कैसे, ड्राफ्टिंग बनाते थे और उसके बाद वो लिखते थे और अंत तक लिखते थे। पहले जो लोग लिखने वाले थे बिना सोचे समझे उन्होंने लिखना चालू कर दिया और तारतम्यता आगे जगह टूट गई। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने सोचा, मैपिंग करी, माइंड मैपिंग बनाई, हमें किस किस विषय में किस किस तरीके से चीजों को लिखना है। पहले जिन्होंने जल्दबाजी करी उन्होंने थोड़े समय बाद वो भूल गए कि हमने यार ये टॉपिक, हमें ये बातें लिखनी थी, ये भूल गए, तारतम्यता टूट गई। हमें पढ़ने से पहले ये देखना है कि हमें कंटेंट किस तरीके से सेलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है। पहला प्रश्न तो क्यों पढ़ना है, सीधी सीधी बात है, जीवन के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए हमें तैयारी करनी है, ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। अब जब नौकरी चाहिए तो फिर आपको किसी भी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा उससे। फिर प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ना है, तो आप कंटेंट सिलेक्शन में अपना फोकस जरूर रखें। कंटेंट सिलेक्शन देखिए, आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेने वाली जो एजेंसीज हैं वो राजस्थान की ख्याति नाम एजेंसी है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, इन एजेंसीज में जो भी लोग आते होंगे, पेपर सेटर आते होंगे या पेपर बनाने वाले लोग भी आते, वो भी कहीं ना कहीं ख्याति नाम जगह से आते होंगे, तो वो मार्केट में बिकने वाली किताबों से तो पेपर बनाते नहीं होंगे। नहीं, नहीं बनाते। तो प्रमाणिक सामग्री हमें कहाँ से मिले, हम कौन कौन सी प्रमाणिक बुकों को ले। हमारी गलती क्या होती है, हम इन चीजों पे, मतलब मार्केट में बिक रही किताबों में से कोई सी भी किताब उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं, हमें बेस बुक बनानी पड़ेगी। उन बेस बुक का सिलेक्शन कैसे करें, पुराने कैंडिडेट्स के जो अनुभव हैं उनके आधार पे, पुराने पेपर्स को हम देख के कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, या किसी कोचिंग वगैरह की सहायता लेके उनके अनुभवों को भी हम ले सकते हैं। उनके माध्यम से हम ये तय करें कि हमें कंटेंट का, पहले कंटेंट डिजाइन कीजिए, कंटेंट सिलेक्शन कीजिए। कंटेंट सिलेक्शन यदि आपका हो गया तो आपकी आधी दौड़ खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि मार्केट में कौन सी किताबें ज्यादा बिक रही हैं वो किताब खरीद के लाते हैं। ये तो मार्केटिंग फोर्सेस हैं जो तय करती हैं कि किताबें कौन सी ज्यादा बिकेंगी, कौन सी कम बिकेंगी। बाद में 6 महीने के बाद हम कहते हैं यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने ये पढ़ा वो पढ़ा। तो बेस बुक आप जरूर पढ़ें। आप जैसे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबें लेते हैं। एनसीईआरटी की किताबें में हर बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी की जो किताबें वो बेस बुक हैं। अब चाहे फिर उसके बाद आप कुछ भी पढ़ें, तो सबसे पहले बेस बुक तैयार करें। हमारा कंटेंट क्या है, सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बेस बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को मैं ठीक मानता हूँ, प्रमाणिक किताबें हैं। राजस्थान अध्ययन के लिए भी ठीक है और समाजशास्त्र में भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विवेचन के नाम से एक सिंघी एंड गोस्वामी की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोषी एंड जैन की कुछ बेसिक्स बुक आती हैं सोशियोलॉजी में, आप उनको, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। राम आहूजा
रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताबें लिखते हैं उनकी किताबें, और सामाजिक समस्या पे भी उनकी किताबें हैं, तो उनको आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। जैसे अभ्यर्थियों को एक मैं बात बताना चाहूंगा बीच में कि आप लोग थोड़ा सर जैसे बोल रहे हैं आप या तो जैसे पॉज करके और लिख सकते हैं, नहीं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको ये लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए सर। और जैसे एक स्कूल व्याख्याता के लिए पूरे सिलेबस के आधारित आप कुछ बुक्स सजेस्ट करेंगे? मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले स्कूल व्याख्याताओं के लिए देखिए एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे नौकरी का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें तैयारी कम करने की आवश्यकता होती है, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। पटवारी के एग्जाम के लिए आपका हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, मतलब हार्ड वर्किंग होना आपके लिए जरूरी है वहाँ आप, क्योंकि सिलेबस ज्यादा डिसाइडेड नहीं है, वहाँ कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब इतना स्कोप रहता है सिलेबस के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, आप स्कूल लेक्चरर पर आ गए, तो वहाँ पर आपका स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। वहाँ हार्ड वर्किंग जरूरी है लेकिन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं जितना स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो आप पहले अपने सिलेबस को ढंग से देखिए और सबसे पहले आप क्या एक बार उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास टाइम कम है उसके हर भाग को आपको छूने की कोशिश कीजिए। गलती क्या करते हैं हम, देखिए बहुत एसएससी जिस समय हम लोग दिया करते थे उस समय एसएससी में चार पेपर आया करते थे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का। तो राजस्थान के अधिकतर विद्यार्थियों की, मतलब आमतौर पर आसपास के जो मैंने अनुभव के आधार पर देखा, इंग्लिश बड़ी कमजोर हुआ करती थी। तो वो लोग क्या करते थे, मैथ और रीजनिंग में 50 में से 50 अटेम्प्ट किया करते थे और इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स पकड़ लेते थे जिनको वो आसानी से करके आ जाए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस वगैरह, तो उनके दम पे उनका एसएससी एग्जाम हो जाता था। और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो अपने कमजोर पक्ष को लेके बैठे रहते थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश सीखनी है, और इंग्लिश पर पूरा फोकस करते थे। होता क्या था, हमें अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन इस बिहाव पे नहीं कि हमारा मजबूत पक्ष कमजोर हो जाए। हमारे मजबूत पक्ष को इतना मजबूत बनाना है कि वो तो कहीं कमजोर हो नहीं सके, और साथ में जो हमारा कमजोर पक्ष है उसको हमें देखना स्मार्ट तरीके से कि हम इसके कौन से हिस्से को मजबूत बना सकते हैं। तो आप सिलेबस को देखिए, आप फर्स्ट ग्रेड होता है सेकेंड ग्रेड का, उसमें आपको देखने पे पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा मजबूत पक्ष और कौन सा कमजोर पक्ष है। एक बार आप मजबूत पक्ष को पूरा कर लीजिए उसके बाद कमजोर पक्ष में से वो हिस्से उठाइए जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, सहायता से कर सकते हैं, और जो कुछ ऐसे हिस्से भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। बिल्कुल, जैसे दसवीं के विज्ञान की, 2005 में मैंने दसवीं करी है, तो दसवीं के विज्ञान की, विज्ञान का सेकेंड चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया नाम से, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, वो शायद दूसरा चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया उस समय और बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसका पूरे सिलेबस में जो रोल था वो केवल 5 या 4 या 5 नंबर का था। ठीक है, मैंने ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी 95 नंबर तो मेरे हाथ में है, 95 तो है, 95 मैं केवल 2 नंबर 4 नंबरों के कारण 95 को दाव पे तो नहीं लगा सकता ना। बिल्कुल सही है। तो आप सबसे पहले अपना जो कोर एरिया है, मजबूत एरिया, उसे और मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए किले की तरह जिसको कोई जीत ना सके। अब हाँ सर, जैसे बुक्स के बारे में, जैसे एक तो इसमें 12th स्टैंडर्ड होता है, एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जैसे स्कूल लेक्चर होता है इसमें 55 55 प्लस 10 का रेशो रहता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए कोई जैसे पूरे ऑल ओवर कोई गाइड या बुक्स जो स्टूडेंट पढ़ना चाहें? देखिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को मैं राजस्थान जीके के लिए प्रमाणिक किताबें मानता हूँ, ठीक है, वहां पर जैन एंड माली की किताबें, सोशियोलॉजी के लिए सर, अच्छा सोशियोलॉजी, हाँ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र विवेचन नाम से किताब आती है जिसमें बेसिक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी के, सिंघी एंड गोस्वामी जी की लिखी हुई किताब है, और दूसरी राम आहूजा की किताबें आप ले सकते हैं सामाजिक समस्याओं को लेके और रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेके, ठीक है, और उदयपुर से निकलती दोषी एंड जैन, ठीक है, जिनकी आप किताबें ले सकते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है। इसके साथ पुराने कुछ पेपर्स और एक आध आप कुछ मार्केट की किताबें भी खरीद सकते हैं आपकी तैयारी के लिए, बिल्कुल, कि आप देख सकें कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह। देखिए सर का जैसा कहना है कि बुक्स के कुछ एक टेक्स्ट बुक्स जो कहें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो सर ने बताई है, इसके अलावा कोई भी आप मार्केट में एक आधी गाइड ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, पहला काम आपने जैसे सर से अब तक बातचीत की है उसके अनुसार कि लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरे को सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का स्कूल लेक्चर बनना है, तो आप सेकंड काम क्या करेंगे, कंटेंट को डिसाइड करेंगे, और कंटेंट को डिसाइड करना
करवाना ही हमारा यही इंटरव्यूज का मुख्य मकसद भी रहता है। पर आप सबसे पहले सफल व्यक्तियों से, आपके सब्जेक्ट के जो भी हैं उनसे कंटेंट डिसाइड करें। जैसे सर ने बताया कि कुछ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स पढ़िए, गाइड लीजिए, और 11th 12th की बुक्स तो आपको पढ़नी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान बोर्ड में लग रही है 55 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, तो वो आते हैं। और उसके बाद में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर अपना मूल्यांकन भी कीजिए और प्रत्येक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी तक की बात का हमारा सारा यही रहा। सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करना चाहिए अभ्यर्थी को, बाकी बेसिक बातें तो आएगी, कोई बुक्स वगैरह आप सजेस्ट करना चाहें तो। छोटी एग्जाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछी जाती है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है हाँ जी, वैसे वैसे आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की जाती है। मतलब अब केवल फैक्ट ही नहीं पूछे जाएंगे, आपके विषय की जो गहराई है उसकी समझ है हाँ। वो आप कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले तो आप रावत, हरिकृष्ण रावत की डिक्शनरी आती है, एक समाजशास्त्र शब्दकोश, और एक दूसरी आती है समाजशास्त्रीय चिंतक के नाम से, उन दोनों डिक्शनरी को आप खरीद लीजिए। और अपने सिलेबस में आप देखिए तैयारी कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नेट के एग्जाम में मैंने कैसे तैयारी करी है हाँ। उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। कि नेट का एग्जाम जब मैंने पहली बार दिया तो मैंने पुराने पेपर्स के आधार पर ही नेट का एग्जाम निकाल लिया, मतलब केवल 10-15 साल के पुराने पेपर सॉल्व किए, उनके आधार पर एग्जाम निकाल लिया। कैसे निकाला, देखिए कोई भी शिक्षक जब पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में क्या सोच रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसमें लिखा कि ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया, ए बी सी डी चार ऑप्शन डालें, जो उसका राइट आंसर है उसे डालने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके गलत आंसर को डालने में मुझे समय लगेगा, सोचने में, उसके विकल्प को बनाने में, गलत विकल्पों को बनाने में समय लगेगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उसके दिमाग में वो गलत विकल्प कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो जब मैं नेट की तैयारी करता था तो मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए एक सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, आंसर है कार्ल मार्क्स, ठीक है कार्ल मार्क्स आंसर है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैंने तुरंत गूगल में डाला, पढ़ लिया, और जो तीन ऑप्शन थे गलत हमने उनको छोड़ दिया, मैं छोड़ता नहीं था उन तीन ऑप्शंस को, मैं नेट पे वापस गूगल पे सर्च करता था, इन्होंने भी कुछ दिया है क्या, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं समझता था कि परीक्षक की माइंड मैपिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो गलत आंसर को भी डाल रहा है तो आपके सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो चीजें डाल रहा है, तो आप पढ़िए उनको गूगल पे सर्च करिए। अब एक प्रश्न में से चार प्रश्न बने, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सिद्धांत ये थ्योरी किसने दी, चार नीचे दिए नाम, एक ने दिए, बाकी तीन कौन थे, तीनों ने भी तो कुछ दिया होगा, सर्च कीजिए। तो थिंकर वाली जो बुक है आप ले आइए, और उसके अंदर पहले सिलेबस में जितने भी थिंकर्स हैं एक एक प्रश्न में सभी जो विचारक है उनके बारे में लिखा हुआ है, तो जितने भी 30, 35, 40 जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे काम किया, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, समाजशास्त्र में शब्दों का बड़ा खेल है, शब्दों के अर्थ को समझना हमें बहुत जरूरी है, तो समाजशास्त्र शब्दकोश आप लाइए, जैसे जैसे नए नए शब्द आते हैं, संरचना आया, संरचना का विकास, संरचना संप्रदाय किसने दिया, किसने इस पर काम किया, प्रकार्यवाद है, जैसे प्रकार आया आपने डिक्शनरी खोली, आप गए पन्ने पर, देखा इस पर किस किसने काम किया। तो ऐसे आप यदि तैयारी करते रहेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप तैयारी एक कमरे में कुर्सी पे टेबल पे बैठ के हो ये जरूरी नहीं, चलते चलते भी आप तैयारी कर सकते हैं, बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम लग रहा है तो गूगल खोला, कुछ डाला, जैसे आपके ये ज़्यादा तो नहीं जानता, जैसे ये एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाओं के बारे में भी पूछा जाता है, न्यूपा क्या है और ये RBSC क्या है, CBSE क्या है, तो गूगल पे डालिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, RBSE क्या है, RBSE क्या है, देखिए, तो आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं, सीखने की मतलब सीखने की कोई निश्चित जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर्स को देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आप यदि टीचर्स क्या सोचता है यदि ये आप समझ गए पुराने पेपर्स देख के, तो निश्चित ही आप सफलता पा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए सर ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें क्या करना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, गाइड का सारा भी ले सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक निवेदन और हाँ जी सर, देखिए अब थोड़ा सा पीछे चल जाइए, उन दिनों में चल जाइए जब आप स्कूल में थे। स्कूल में मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। स्कूल में जब हम टीचर क्लास में पढ़ाता था तो चैप्टर पढ़ाते थे, पहले हम लोग रीडिंग लगाते थे, वो समझाते थे, बाद में प्रश्न उत्तर पे जाते थे सर,
और प्रश्नोत्तर पे जाते तो निशान लगवाते थे किताब में, कहते थे आप पेज नंबर 75 पे जाओ, 76 पे जाओ, वहां इस लाइन से उस लाइन तक, ठीक है। बड़ा ढूंढने में हमको लगता था यार कहाँ ढूंढे कैसे ढूंढे। मेरा क्या पैटर्न था, मैं चैप्टर को चालू करने से पहले प्रश्नों की रीडिंग लगवाता हूँ, प्रश्नों की रीडिंग लगवाता हूँ 2 या 3 बार। मैं स्कूल एजुकेशन में था, मैंने यही किया, मैं पहले प्रश्नों की रीडिंग लगवाता था। देखिए, अध्याय को चालू करने से पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने से क्या होता था, जैसे ही वो चैप्टर पढ़ता था तो उसके दिमाग में प्रश्न आ जाता था, वही की वही उसके दिमाग में वो चीजें स्थायी हो जाती है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले विगत वर्षों में उस टॉपिक पे पूछे गए प्रश्नों को पहले एक बार रीड आउट कर लीजिए, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए। रीड आउट करने पे उनका इंप्रेशन आपके दिमाग में रह जाएगा, वो इंप्रेशन उस समय जब काम आएगा जब आप उस टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो यही स्मार्ट वर्क है जिसे आपको करना है। निश्चित ही स्मार्ट वर्क आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ने हैं, हमें नेट का सारा भी लेना है यानी गूगल का सारा भी लेना है, टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है और गाइड भी पढ़नी है। पर सबसे सिस्टमेटिक हम अध्ययन करें तो सिलेबस निकालें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, अपने टॉपिक का अच्छी तरह से अध्ययन करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक अक्सर हम हमारे इंटरव्यू लेके आ रहे हैं इस चैनल पर लगातार, और ऐसे अभ्यर्थियों को लेके आ रहे हैं जो एक सामान्य परिवेश में रहे हैं, चाहे वो शहरी परिवेश में है चाहे ग्रामीण परिवेश में है, तो उनका परिवेश बिल्कुल सामान्य रहा, वो आम से खास अपने दम पे बने, अपनी शिक्षक के दम पे बने, और आप भी निश्चित तौर पर शिक्षक के दम पर अपना और अपने परिवार का भविष्य है इसे बदल सकते हैं। रोहित जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंतिम संदेश कोई अभ्यर्थियों के लिए आप कहना चाहेंगे? सर ने धन्यवाद दिया, सर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कक्षा में जब प्रवेश करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लोगों का जीवन तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जिस दिन मैं हर रोज ये सोचता हूँ कि आज के मेरे लेक्चर से किसी ना किसी एक का जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, और उसी बात को सोचते हुए आज का जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हुआ तो मेरा यहाँ आना आपके लिए सफल हो जाए। निश्चित तौर पे सर, बहुत से अभ्यर्थी देखेंगे और बहुत से अभ्यर्थी इससे फायदा भी उठाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि होने को तो बुलंदी के ख्यालात भी है, मालूम तरक्की के मकामात भी है, जितना सुलझा हुआ मिला हमें दिमाग उतने उलझे हुए हालात भी है। इन उलझे हुए हालात को हमें ही सुलझाना है और हम सही रास्ते पर सही नीति अपनाकर इनको सुलझा सकते हैं। इसी तरह से आगे भी आपके लिए सीरीज उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।